राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आज प्रेस वार्ता कर ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोरोना वायरस पर चर्चा की। इस अवसर पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से पहले देश की जान खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने प्रेस वार्ता में 6 बिंदु इंगित करते हुए तीखे प्रश्न भी पूछे और सरकार से इसका जवाब मांगा। आज हम आपके बीच में पूरे देश पर गहरा रहे गंभीर संकट, जिसने एक बार फिर आम भारतीय की जान पर कहीं ना कहीं खतरा खड़ा कर दिया है। कोरोना की वैक्सीनेशन पॉलिसी, ओमिक्रॉन वायरस और किसे वैक्सीन मिले, प्रधानमंत्री जी की कल की शेखी बघारने वाली घोषणा के बाद सच्चाई क्या है, उन पर प्रकाश डालने के लिए आपके बीच में उपस्थित हैं। सच्चाई ये है कि ओमिक्रॉन वायरस के जानलेवा खतरे को नज़रअंदाज कर देशवासियों की जिंदगी को खतरे में डाल रही है मोदी सरकार। बातें बनाने और टेलीविजन पर आने से आपराधिक लापरवाही के जख्म नहीं भर पाएंगे। मेरी बात शुरू करते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के डॉक्टर साहेबान, नर्सेस, पैरामेडिक्स, हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, हम उनके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर इस देश के लोगों की वैक्सीनेशन में अग्रणी योगदान दिया। वो साधुवाद के पात्र हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आहट से ठीक पहले एक बार फिर मोदी सरकार देशवासियों की जान जोखिम में डालने चली है। और साथियों, आज जवाबदेही मांगने का समय है और इस देश के 140 करोड़ लोगों की ओर से हम 6 बिंदुओं पर सरकार का स्पष्टीकरण और प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हैं। नंबर 1, देश के 47 करोड़ 95 लाख 18 साल और उससे बड़े वयस्कों को, एडल्ट्स को 59.40 करोड़ वैक्सीन कब लगेगी? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, मैं आपको इसकी डिटेल्स दे रहा हूं। सरकार के मुताबिक 18 साल से अधिक की एडल्ट पॉपुलेशन देश में 94 करोड़ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका वो शपथ पत्र है जो उन्होंने 22 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट में दिया था। ये वो है, उन्होंने ये कहा कि हम 31 दिसंबर 2021 तक देश के 94 करोड़ 18 साल से अधिक आयु के लोगों को हम दोनों डोज लगा देंगे। 31 दिसंबर तक 94 करोड़ लोगों को दो डोज के हिसाब से 198 करोड़ डोज लगने, 5 ही दिन बचे हैं अब तो। पर मोदी सरकार ने कल यानी 25 दिसंबर को एक डेटा जारी किया, मैं आपको रिलीज कर रहा हूं, पीआईबी का प्रेस रिलीज है, हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे लगा है, पीआईबी पे लगा है, हमने वहीं से लिया है, कोई नया कागज नहीं, ये कल उन्होंने जारी किया। इससे 4 बातें निकल कर आती है। पहली बात, 36 करोड़ 50 लाख लोगों को जो 18 साल की आयु से बड़े हैं, उन्हें मोदी सरकार ने अभी तक कोरोना का वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगाया। 36.5 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज अभी नहीं लगा है। ये देश की एडल्ट पॉपुलेशन का 35% है। दूसरा तथ्य, 18 साल से अधिक के एडल्ट पॉपुलेशन में 11 करोड़ 45 लाख लोगों को दोनों डोज ही नहीं लगे। जो हमारे हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनमें से
22,71,000 लोगों को दूसरा डोज नहीं लगा, यानी अभी भी 36.5 करोड़ जिन्हें एक डोज लगना है सेकेंड डोज, 11,45,00,000 जिन्हें दो डोज लगने हैं, ये कुल डोज बनते हैं 59.40 करोड़ या लगभग 60 करोड़ डोज। 60 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज एडल्ट पॉपुलेशन को लगने अभी बाकी हैं। वक्त की मांग है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राजधर्म निभाएं, स्पष्ट वैक्सीन नीति अपनाएं, 5 से 15 साल के युवाओं को वैक्सीन उपलब्ध करवाएं और ओमिक्रॉन वायरस के खतरे से बचने के लिए देश को रास्ता सुझाएं। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्रवर प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।